सियालकोट जेल रोड है, अपना स्कूल विजिट करने में आया था, सिटी पब्लिक हाई स्कूल जहाँ पे मैंने मैट्रिक किया। मैट्रिक करने के बाद अब यहाँ से जा रहा हूँ अपने कॉलेज की तरफ। ये साथ में लेफ्ट साइड पे थाना सिविल लाइन है, राइट साइड पे सियालकोट जेल है, सेंट्रल जेल। इसके साथ ग्राउंड होती थी जहाँ पे मैंने बहुत क्रिकेट खेली है, लेकिन यह है कि वो ग्राउंड अब सारी ख़त्म हो गई है। पूरे पाकिस्तान में ग्राउंड्स का यही हाल हुआ है, हर चीज़ ख़त्म हो चुकी है। ये कचहरी आ गई है जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं, इसके साथ यहाँ पे गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज हुआ करता था, कॉमर्स कॉलेज, वो शायद है अभी भी गली में अंदर पीछे, मुझे पता नहीं है उसका, मतलब नहीं जा रहा। आज संडे है इसलिए सड़क पे इतना ज़्यादा रश नहीं है, नहीं तो नॉर्मली मैं कल भी आया था यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा रश था, तो भी इतना मज़ा नहीं आ रहा था वीडियो बनाने का। मैं कहा चलो संडे को सुबह देखूँगा कि रश ना होगा तो फिर आराम से जाके बनाऊँगा। आबादी बढ़ गई है सियालकोट की बहुत ज़्यादा, उसकी वजह से रश भी जो है वो बहुत ज़्यादा हो गया। सड़कें उसी तरह की उसी तरह जैसे पहले थी, ठीक है, उस वक्त पॉपुलेशन थोड़ी थी, अब जो है बहुत ज़्यादा हो गई। लेकिन ये है कि अपना शहर है, अपनी यादें तो हैं ना इसके साथ। इन्हीं सड़कों से रोज़ाना मैं आता जाता था अपने स्कूल, 10 साल यहाँ पे साइकिल और फिर मोटरसाइकिल को यूज़ की है। पता नहीं किधर किधर से वन वेज बना दी है, ये भी नहीं समझ आ गया, लेकिन चलो कोई भी। ये जो है ये पेरिस रोड है, ये भी अपनी अच्छी पुरानी याद है। आगे जाके चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है, क्रिश्चियन हॉस्पिटल है, ये साथ में फाटक आ गया, यहाँ से इसके साथ ही रेलवे स्टेशन है जो यहाँ पे आपको नज़र नहीं आया होगा, और ये सियालकोट का फेमस ड्रामा वाला चौक। ये सारा एरिया जो है यहाँ पे तो मैं दिन रात आंखें बंद करके फिरा करता था, लेकिन कब की बात है, 22 साल हो गए इस बात में, 22 साल के बाद आप दोबारा इधर घूम रहा हूँ। ये मोटरसाइकिल रिपेयरिंग की शॉप्स हैं यहाँ पे, काफ़ी ज़्यादा शॉप्स हैं। ये साथ इधर लेफ्ट साइड पे रेलवे स्टेशन है, तैयार नहीं की गई। असल में पॉपुलेशन बढ़ गई है सियालकोट की, और जो यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर है वो उसी तरह का उसी तरह है।
के दूसरी तरफ जो है वो चिनार स्टेडियम है सियालकोट का, फेमस चिनार स्टेडियम। अगर ब्रिज के ऊपर से जाएं तो वो नज़र आता है। अगर मैं निकला मरे कॉलेज से उस साइड को तो फिर मैं देखूंगा कि वो भी शायद वीडियो में आ जाए। अभी ब्रिज के नीचे से कॉलेज की तरफ जाते हैं, वहाँ पे भी मैं कुछ तस्वीरें लेना चाहता हूँ। ये सामने कॉलेज की दीवार, ये आ गया जी कॉलेज रोड, और ये मरे कॉलेज से आउटपुट लेफ्ट साइड पे जो दीवार है, सारी मरे कॉलेज की दीवार है। उसका ये आ गया मेन एंट्रेंस, लेकिन यहाँ पे अभी के अंदर जा सकते हैं कि नहीं ये मुझे देखना पड़ेगा, जाकर मैं पूछता हूँ। ये कॉलेज है मेरा जी, मरे कॉलेज सियालकोट। यहाँ पे ये मेन एंट्रेंस है, वहाँ पे अंदर ये मौलवी मीर हसन हॉल है, बड़ा फेमस जगह है। यहाँ पे इस हॉल में मेरी क्लासेस हुआ करती थी। इस वक्त क्योंकि मुझे परमिशन नहीं है, मैं ज़्यादा अंदर नहीं जा सकता, तस्वीरें नहीं बना सकता ज़्यादा अंदर जा के। सिर्फ यहाँ मेन एंट्रेंस है जो है, यहाँ पर सिर्फ थोड़ा सा मैंने कहा व्यू ले लूँ। तो बाकी इस कॉलेज से अपनी बहुत यादें हैं, तकरीबन 20-22 साल के बाद मैं इधर आया हूँ दोबारा। कभी मौका मिला तो इंशाल्लाह फिर अंदर जा के परमिशन ले के फिर अंदर सारे कॉलेज की तस्वीरें वगैरह बनाऊंगा। उसके अलावा पीछे एक हॉल है, वो अंदर मैं जा नहीं सका, परमिशन नहीं थी। वहाँ पे हम भी पढ़ते रहे हैं उस हॉल में, और वहाँ पे ये अल्लामा इकबाल भी पढ़ा करते थे। ये सारी कॉलेज रोड है, और काफ़ी चीज़ें बदल गई हैं, लेकिन एक कुछ चीज़ें नहीं भी बदली। बहरहाल अब चलते हैं यहाँ से फिर आगे, कहीं और मौका मिलता है अपनी और पुरानी चीज़ें याद करने का तो ज़रूर करते हैं। बंद था वैसे, बाहर से सिर्फ मैं तस्वीरें।
साइड पर होते थे, कभी यहाँ पे मैचेस हुआ करते थे, तो उस वक्त हम कई दफ़ा ब्रिज के ऊपर चढ़ के यहाँ से छोड़ के देख लिया करते थे। ये साफ मेरे राइट साइड पर जो बिल्डिंग है ब्रिज के नीचे, ये पायलट सेकेंडरी हाई स्कूल है, पायलट सेकेंडरी गवर्नमेंट पायलट हाई स्कूल सेकेंडरी हाई स्कूल है, ये बिल्कुल कॉलेज का हिस्सा हुआ करता था, क्योंकि ये कॉलेज जो है वो 1880